सो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग वो सारे सीक्रेट को आज रिवील करने वाले हैं जो एक बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग की। शेयर मार्केट इन्वेस्टिंग एक साइंस है, एक आर्ट है, या साइंस एंड आर्ट बोथ है। इसमें लोग बरसों से लगे हुए हैं, 30-30 साल से कई लोग आपको मिलेंगे जो दिन रात करके वॉच कर रहे हैं, शेयर मार्केट को देख रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता एक भी बंदा ऐसा मिला होगा जो सिर्फ और सिर्फ पैसे बनाया होगा अभी तक, यानी लॉस सबको उठाना पड़ता है। हाँ, आपकी स्ट्रेटजी ऐसी हो सकती है जो आपको लॉन्ग रन में फायदा दे, लेकिन आप सारे स्टॉक पिक करो और वो प्रॉफिट देने लगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जिनका भी नाम आप ले लो, मैं स्क्रीन पे फोटो दे रहा हूं, नाम आप जानते होंगे, वो सारे बड़े इन्वेस्टर्स ने लॉन्ग टर्म में ज्यादा कमाया है। कुछ एक्टिवली पैसिव थे, कुछ पैसिव इन्वेस्टमेंट थे, एक्टिवली पैसिव, पैसिवली एक्टिव, ये सारे टर्मिनोलॉजी हम लोग को फाइनेंस में सिखाया जाता है। मैंने खुद मास्टर प्रोग्राम में एक पढ़ा है इन सबको, लेकिन यहाँ पे उतना ज़्यादा डिटेल नहीं करना। यहाँ पे मैं आपको आज एक स्ट्रैटजी बताने वाला हूँ और वो स्ट्रैटजी डेफिनेटली हेल्प करेगी, और उस स्ट्रैटजी का नाम है अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा फिजिक्स में पढ़ते हैं, मैथ्स में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन आज हम फाइनेंस में पढ़ने वाले हैं अल्फा एंड बीटा। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा सबसे रिक्वेस्ट होगा, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। इसके कम्युनिटी पेज पे जाइएगा, कम्युनिटी पेज पे बहुत सारे मोटिवेशनल कोट्स मिलेंगे आपको, जो अच्छी अच्छी बुक्स, फाइनेंस वाली बुक्स, मनी वाली बुक्स से निकाल निकाल के मैंने डाल रखे हैं। क्या पता कब आपकी लाइफ बदल जाए किसी एक कोट से। तो प्लीज उस पे जाइएगा और देखिएगा, और आने वाले टाइम में बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनेंगी, इसके शॉर्ट्स भी जरूर देखिएगा। तो चलिए बात करते हैं अल्फा एंड बीटा की। कई बार हम अपनी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होती है वो किसी के सजेशन पे बेस्ड होती है। कई बार हम दो चार बार उसका वीडियो देख लिए, या हमारे ब्रोकरेज फर्म ने हमें मैसेज किया, मेल किया, व्हाट्सएप किया, आजकल तो ये सब हो ही रहे हैं, देख ही रहे हो, या उनके ऐप पे पॉपअप आया, वहां से हमने स्ट्रेटजी ले ली और वहां से इन्वेस्ट कर दिया। कई बार इस तरह से हमने पैसे गंवाए। कई बार हमें लगता है कि एक जो स्टॉक है बिल्कुल मल्टीबैगर है, ये हमें करोड़पति बना देगा, 100 गुना 200 गुना दे देगा। हम ये भूल जाते हैं कि यार हम तो बहुत कम देखते हैं इस शेयर मार्केट को, कई लोग जो सालों से वहाँ बैठे हैं उन्हें कैसे मिस हो गया। तो ये जो गलत फहमियाँ तैरती हैं, इस पे बेस्ड अगर आप अपनी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि आप लॉस करें। हाँ, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऐसा हो सकता है जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करें उस कंपनी के बारे में आप जान लें, क्योंकि बड़े फेमस लोगों ने बोला है कि बिहाइंड एवरी स्टॉक देर इज अ कंपनी, बिहाइंड एवरी स्टॉक देर इज अ कंपनी। इफ कंपनी डज वेल, स्टॉक फॉलोज, कंपनी अच्छा करेगी स्टॉक फॉलो करेगा। तो स्ट्रैटजी होनी चाहिए कंपनी पे बेस्ड, ना कि स्टॉक पे बेस्ड। कई बार एक स्टॉक आपको मिल सकता है जो अंडर वैल्यूड है, अभी आगे बढ़ेगा, यही स्टॉक पहचानने की आपको देरी है। कई बार आपको लगता है कि एक कंपनी जो कई सालों से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, उस कंपनी को कि अगर आप ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली वो आगे लेके जाएगी, ऐसा चांसेस है। और चांसेस जो होता है वो कई बार देखने को मिलता है। तो आज मैं आपको अल्फा एंड बीटा बताता हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ अल्फा। ये अल्फा क्या है? अल्फा बेसिकली एक पैरामीटर है, परसेंटेज में मेजर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडेक्स मान लो निफ्टी 50 की बात करो, निफ्टी टोटल की बात करो, तो निफ्टी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सपोज 15% का एक रिटर्न दे रहा है, और कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक आप वाला वो 20% का रिटर्न दे रहा है उस पीरियड में, यानी उस स्टॉक ने निफ्टी को इस इंडेक्स को 5% मार्जिन से बीट किया हुआ है। दैट 5% इज कॉल्ड अल्फा, जिसे हम मेजर करते हैं परसेंटेज में, यानी अल्फा आ गया उस स्टॉक का 5, पॉजिटिव है। अल्फा 0 का मतलब हुआ बराबर चल रहा है, निफ्टी जितना रिटर्न दे रहा है आपका वो स्टॉक उतना रिटर्न दे रहा है। फिर अल्फा आ जाता है नेगेटिव। नेगेटिव अल्फा क्या है? इंडेक्स तो 15% का रिटर्न दे रहा है और आपका वो स्टॉक 12% का दे रहा है, तो अल्फा कितना हो गया? -3%। तो ऐसे आपको चूज करना होगा उन सारे स्टॉक को जो पॉजिटिव अल्फा रखते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बट अभी 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 डिसाइड मत करिए। एक और पैरामीटर है जिसपे आपको जानना होगा, जिसपे आपको वर्क करना होगा, और उस पैरामीटर का नाम है बीटा। अब ये बीटा क्या है? बीटा एक पैरामीटर है जो रिस्क मेजर करता है किसी भी स्टॉक की।
जो वॉलेटिलिटी मेजर करता है। वॉलेटिलिटी मतलब कितना अप कितना डाउन, कितना अप कितना डाउन। कभी कभी एक स्टॉक बहुत फ्लक्चुएट करता है, आप देख रहे हो अपर सर्किट लग रहा है, खरीद ही नहीं पा रहे हो, मार्केट खुलते ही लोगों से खरीद ले रहे हैं, फिर आप देखते हो कुछ दिन बाद कि उसी स्टॉक में लोअर सर्किट चल रहा है। भाई साहब क्या हो गया, जब आप बेचने हुए लोअर सर्किट में है। तो वोलेटाइल ज्यादा अगर स्टॉक है तो वो भी डेंजरस है। वोलेटाइल स्टॉक डेंजरस होता है, बीटा इसे कहते हैं, वोलेटिलिटी मेजर करता है। यानी आप पहले अल्फा बड़ा चूज कर लिया, बट वोलेटिलिटी तो आपको कम चाहिए ना, जब आपको निकालना हो, पता चला बहुत स्विंग कर रहा है मार्केट, गया 10% से स्टॉक चला गया 20% से 30% से। अब बीटा अगर एक है तो मार्केट के हिसाब से उसकी वोलेटिलिटी है, मतलब उसी हिसाब से मूव कर रहा है। बीटा अगर 3 है तो स्टॉक आगे बढ़ा 10%, ओवरऑल इंडेक्स आगे बढ़ा 10% और स्टॉक बढ़ गया 20-30%। अगर 3 है, 2 है तो 20% बढ़ गया, यानी 2 गुना 3 गुना हो गया। तो बीटा जितना क्लोज टू 0 हो, मतलब कम से कम वॉलेटाइल हो, वो ज्यादा अच्छा है। तो बीटा क्या मेजर करता है, वॉलेटिलिटी, रिस्क। अल्फा क्या मेजर करता है, इंडेक्स का परफॉर्मेंस, इंडेक्स के परफॉर्मेंस के ऊपर आपके स्टॉक का परफॉर्मेंस कैसा, रिलेटिव परफॉर्मेंस कैसा है। ये दोनों फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब मैं बात करूंगा 4 डिफरेंट केसेस की। 4 डिफरेंट केसेस क्या होंगे कि अल्फा और बीटा दोनों लो हों। इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा और बीटा दोनों लो का मतलब हुआ कि यार वोलेटाइल भी नहीं है और इंडेक्स को बीट आउट भी नहीं कर रहा है। मे बी नेगेटिव है अल्फा तो नीचे जा रहा है, तो यार मैं बोलूंगा ये ऐसा स्टॉक रिकमेंडेड नहीं है, मैं तो नहीं खरीदूंगा। कई लोग इंडेक्स उसके डिविडेंड वगैरह के लालच में उसको खरीद लेते हैं, बट आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू परचेज। अब आ जाते हैं दूसरा केस, लो अल्फा हाई बीटा। भाई साहब ये खरीदोगे क्या, वोलेटाइल बहुत है और इंडेक्स को बहुत ज्यादा बीट नहीं कर रहा है, ऊपर जा रहा नीचे आ रहा, ऊपर जा रहा नीचे आ रहा है, आप खरीदोगे? नहीं जी, खरीदना भी नहीं चाहिए। लेकिन कुछ लोग इसको पसंद करते हैं। वीडियो रोक के बताओ कमेंट करके कौन पसंद करता है। ट्रेडर्स, उन्हें तो कोई मतलब नहीं यार, अल्फा क्या है बीटा क्या है, उन फ्लैक्चुएट, जब ऊपर गया बेच दिया, नीचे आया खरीद लिया। ऐसे लोग डे ट्रेडर होते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, सुबह बैठे स्टॉप लॉस लगा दिया, अपर में बेल बेचने का बिड लगा दिया, निकल लिए, या फिर अगर बैठे हैं तो देख रहे हैं भाई ऊपर गया बेच दिया तुरंत, शाम को 2-3% 4% प्रॉफिट बुक कर लिया, काम खत्म। इनसे कोई मतलब नहीं स्टॉक की ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है। तीसरा, अल्फा भी हाई है बीटा भी हाई है, अल्फा बीटा दोनों ऊपर है, यानी इंडेक्स को जबरदस्त बीट कर रहा है, ग्रोथ है, वोलेटाइल भी बहुत है, तो ज्यादा अर्निंग पॉसिबिलिटी है, बट रिस्की भी तो बहुत है, रिस्की भी बहुत है। रिस्क लेने को तैयार हो तो ले लो, नहीं तैयार हो तो मत लो। लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे रख सकते हो, अगर आप एक्टिवली यू नो इन्वेस्टर हो, तो एक्टिव ट्रेडिंग करते हो, तो ऐसे स्टॉक रखने में कोई बुराई नहीं है, अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। अभी आज तरीका बताऊंगा कैसे आप स्टॉक सिलेक्शन करो। फिर उसके बाद आ जाते हैं पैसिव। पैसिव मतलब आपने लगाया और भूल गए, ये होना चाहिए अल्फा हाई बीटा लो। बहुत लोग इसको प्रेफर करते हैं, अल्फा हाई बीटा लो, यानी आपने वो इंडेक्स को बीट करेगा आपका स्टॉक, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी मतलब उसमें वॉलेटिलिटी कम रहेगी, तो ऐसे स्टॉक लिया और भूल गए। तो अब मैं आप लोग को एक ऐसे स्क्रीन पे ले जाता हूँ, वेबसाइट पे ले जाता हूँ, जो स्पॉन्सर नहीं है, पैसे नहीं दिए उसने मुझे, ना मैं उसको प्रमोट कर रहा हूँ, आपकी अपनी मर्जी हो, लेकिन चीज़ अच्छी होती है ना तो मन करता प्रमोट करने का। मेरी रिक्वेस्ट होगी मेरे चैनल पे भी आपको अच्छा लगे तो प्रमोट करिएगा, सोशल मीडिया वगैरह कहीं भी शेयर कर दीजिएगा, कुछ लोग जुड़ जाएंगे तो मेरा भला हो जाएगा। तो यह है tickertape.in, इस वेबसाइट से मैं आपको दिखा रहा हूं, ओपन कर लिया मैंने, और यहां पे स्टॉक स्क्रीनिंग है, वहां से मैं ले रहा हूं, आप देख सकते हो 4551 रिजल्ट है इसमें, और उसके बाद 4551 रिजल्ट्स में से सारे स्टॉक आपको विजिबल हैं, आप देख सकते हो क्लोजिंग प्राइस, मार्केट प्राइस सब कुछ दिया हुआ है। अब मैं इसको यहां से सेलेक्ट करूंगा, कुछ फिल्टर लगाऊंगा, तो मैं ऐड फिल्टर पे गया और टेक्निकल इंडिकेटर पे गया, और वहां पे मैंने अल्फा ढूंढा। देखो अल्फा में क्या लिख के आ रहा है,
अल्फा में लिख के आ रहा है एक्सेस रिटर्न ऑफ अ स्टॉक रिलेटिव टू इट्स बेंचमार्क कैलकुलेटिंग यूजिंग 104 वीकली प्राइस, 2 साल का वीकली प्राइस क्लोजिंग पे इन्होंने कंसीडर किया अल्फा, तो मैंने ये अल्फा सेलेक्ट कर लिया। फिर अगला मैं सेलेक्ट करूंगा बीटा, तो बीटा पे देखो बीटा इज अ मेजर ऑफ अ कंपनीज स्टॉक प्राइस वॉलेटिलिटी रिलेटिव टू द मार्केट, मार्केट के रिलेटिव में इसकी वॉलेटिलिटी क्या है, बीटा सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे मैंने बीटा सेलेक्ट अल्फा और बीटा सेलेक्ट कर दिया तो आप राइट में देख सकते हो बड़े सारे अल्फा बीटा आ गए, लेकिन इसको बचाने के लिए मैं लार्ज कैप में 4551 कंपनीज हैं, इसको स्क्रीन करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। मैं चाहता हूँ एक मोटी कंपनी में पकड़ूँ, लार्ज कैप जिसका बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, जिसका यू नो मार्केट कैप हैवी है, जो पहले कई सालों से है आगे कई सालों तक रहेगा, इसमें जिसके लिए कंप्लीट लॉस ऑफ योर स्टॉक नहीं होने वाला। तो जैसे मैंने सेलेक्ट किया आप देख सकते हो मेरे पास 100 रिजल्ट आ गए सीधे सीधे, मतलब कि कुल मिला के 4500 से ज़्यादा कंपनियों को अब रिजेक्ट करके मैंने 100 टॉप कंपनीज पे फोकस कर लिया, आप स्विंग रिजल्ट देख सकते हो। इसके बाद मैंने अल्फा सेलेक्ट किया, अब अल्फा नेगेटिव भी था लेकिन मुझे नेगेटिव अल्फा में कोई इंटरेस्ट नहीं, -123 अल्फा भाई साहब सोच सकते हो, 2357, तो मुझे नेगेटिव अल्फा में कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं नेगेटिव अल्फा लेके अपना दिमाग नहीं खराब करना चाहता। तो मैं आ गया जीरो अल्फा से लेके 357.77 है, हाई अल्फा लिखते ही 59 आ गया, इतना भी आगे नहीं तो मैंने इसको जीरो ही कर दिया, हाई अल्फा कर रहा हूँ तो इतना ज़्यादा हो गया। अब आ जाते हैं बीटा पे, अब देखो यहाँ पे भी 75 स्टॉक रह गए, 25 स्टॉक निकल गया, अब मेरे पास 4500 में से भी 75 बचे, बीटा आ गए, बीटा नेगेटिव है 2373.75। अब मैं ले रहा हूँ बीटा जीरो से लगभग लगभग मान लो एक या उसके आसपास, तो मैं इसको चुन रहा हूं 1.5 बीटा तक मान लेते हैं, 1.5 बीटा। अब ऐड फिल्टर कर दिया, तो अब ऐड फिल्टर करते ही देखो अब कंपनीज मेरे पास सिर्फ 60 आ गई, मस्त, इतनी ज्यादा कंपनियों में से सिर्फ 60 आ गई। अब इन 60 कंपनियों में से मैं चुनूंगा अल्फा अपने सुटेबिलिटी के लिए और बीटा उस हिसाब से मैं ट्रेडिंग करने वाला हूं। अब देखो इसको मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूं और एक्सेल में इसको देखा जाएगा, तो एक्सपोर्ट करके मैं इसको ले जा रहा हूं और एक्सेल में इसको आपको दिखाऊंगा कि एक्सेल में ये कैसा दिखता है और कैसे हम कौन से स्टॉक पे बिड लगाएं, कौन सा स्टॉक हमें चूज करना चाहिए वो मैं आपको दिखाता हूं। तो ये आ गया आपका एक्सेल सीट, इस एक्सेल को थोड़ा सा मैं स्क्रीन कर लूं, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं। अब आपके सामने पी रेशियो, प्रॉफिट टू अर्न रेशियो, अर्निंग रेशियो और अल्फा एंड बीटा सारा कुछ सामने है। इसको मैं इस पर फिल्टरिंग कर लेता हूँ, फिल्टर लगा दिया। अब यहाँ से आप स्टॉक में जो चीज़ हाई टू लो, लो टू हाई, जो भी फिल्टर करना चाहते हैं, अभी मैंने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर लिया, तो सबसे पहले देखो अदानी पावर आ गया, इसका अल्फा ओ माई गॉड 56, बीटा 1.2, बहुत ज़्यादा रिस्की भी नहीं है लेकिन इसको थोड़ा सा यू नो लोग मानते हैं यार इसकी, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको बीटा बहुत ज़्यादा नहीं दे रहा है, अल्फा जरूर इसका बहुत हैवी है और बड़ा सुटेबल भी लग रहा है, और पी रेशियो भी 21 से ऊपर है, सो दैट कैन नॉट बी यू नो रूल्ड आउट, ये रूल आउट नहीं किया जा सकता अदानी पावर लिमिटेड को, लेकिन मैं इसमें और स्क्रीनर लगा के आपको दिखाता हूँ। अब देखो आपके पास बहुत सारे और केसेस हैं, देख सकते हो इंडियन ओवरसीज, वरुण बिवरेज, सन फार्मा, सन फार्मा एक बड़ा अच्छा सुटेबल है, आप देख सकते हो 0.72 बीटा है, बहुत कम वॉलेटिलिटी है लेकिन इसका अल्फा 23 है, मार्केट कैप भी हैवी है, तो सन फार्मा कैन बी अ वेरी गुड स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट। टाटा पावर आप ले लो जिसकी अल्फा, टाटा पावर नहीं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो जिसका अल्फा 31 है और बीटा 0.711 है, कितना अच्छा स्टॉक हो सकता है BEL का। फिर इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, यस भारत BEL का तो हमने बात कर ली,
अब आ जाते हैं, हमने सॉर्ट कर लिया इसको मार्केट कैप के हिसाब से। अब सबसे ऊपर नाम आपको दिख रहा है रिलायंस का, जिसका अल्फा 8.7 मन है, जिस क्वाइट गुड एंड बीटा लगभग एक के बराबर है, वॉलेटिलिटी ना के बराबर, लगभग इंडेक्स की तरह वॉलेटाइल है ये। तो ये रिलायंस कैन बी वेरी गुड पिक आपके लिए। कंपनी आपको पता है, रिलायंस को हर कोई जानता है, आप कैसे इग्नोर कर सकते हो। टाटा कंसल्टेंसी इसके नेक्स्ट नंबर पे है, आप देख सकते हो लगभग लगभग इसका अल्फा उतना ही है, थोड़ा ही नीचे 7 के आसपास है, बट बीटा इज वेरी लेस, यानी वेरी लेस वोलेटाइल। टाटा कंसल्टेंसी एक बढ़िया पिक हो सकता है। मार्केट कैप 1,21,000 करोड़ से भी ज्यादा है, तो नहीं यार और ज्यादा है, 12,00,000 एंड समथिंग करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। फिर भारतीय एयरटेल देख सकते हो 0.66 है और इसका अल्फा 8.93 है। तो यहाँ से अगर आप प्लान अपना करते हो, अपना इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनाते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप लॉन्ग टर्म में लॉस खाने वाले हो। बट याद रखना, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी जो होती है ना, वो कंपनी को भी देख के बनाई जाती है। सिर्फ अल्फा एंड बीटा रिस्क रिवार्ड रेशियो ही आपको ओवरऑल सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकता या अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकता, आपको और भी कई फैक्टर देखने होते हैं, और ये मार्केट तो रिस्की है ही। तो इस तरह से इसको मेरा रिकमेंडेशन मत लीजिएगा, लेकिन अगर आपको इससे कुछ ज्ञान मिला हो, थोड़ा नॉलेज बढ़ा हो, तो डेफिनेटली मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने वाला हूँ, आप तक डायरेक्ट पहुँचे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।